सिद्धि प्राप्त करना कोई चमत्कार नहीं है, ये आपकी क्षमता है, आपको इंटरेस्ट है, आप उपयोग करो और इसको जगा दो। ये हमें पता ही नहीं है कि भारत के अंदर सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी अनेकों साधनाओं का विकास किया और अपनी सुर शक्तियों की पहचान की। दोस्तों ये तो आपको जानना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा कि हर आदमी में जहाँ बाह्य इंद्रियां होती है वहां पर अतिंद्रिय क्षमताएं भी होती है, जिसको हम कहते हैं साइकिक पावर्स या पैरासाइकोलॉजिकल पावर। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन केशव अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का नाम ही तो अवेकनिंग है, पर अवेकनिंग का मतलब क्या होता है कि जागना और एक सत्य को पहचानना। दोस्तों हमारे वीडियो में कम से कम आपको कहीं से भी दूर दूर तक भी कोई अंधविश्वास की चीज नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम स्वयं सख्त अंधविश्वास के खिलाफ काम कर रहे हैं और ये सदियों से भारत में जो ये पाखंड और बहुत सारे जो भ्रम चल रहे हैं आध्यात्मिकता को लेकर या परामानसिक क्षमताओं को लेकर, हम उस भ्रम को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आज मैं इस बात का स्पष्टीकरण करने जा रहा हूँ कि बागेश्वर बाबा के जो धीरेन्द्र शास्त्री है, आज वो अंतर प्रेरणा के माध्यम से एक अद्भुत काम कर रहे हैं जिससे सारा संसार आश्चर्यचकित है, सारा मीडिया आश्चर्यचकित है और सारे हमारे साधु संत महात्मा भी आश्चर्य कि ये क्या ऐसा संभव है। जी हाँ दोस्तों, ये हमें पता ही नहीं है कि भारत के अंदर सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी अनेकों साधनाओं का विकास किया और अपनी सुर शक्तियों की पहचान की। दोस्तों ये तो आपको जानना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा कि हर आदमी में जहाँ बाह्य इंद्रियां होती है वहां पर अतिंद्रिय क्षमताएं भी होती है, जिसको हम कहते हैं साइकिक पावर्स या पैरासाइकोलॉजिकल पावर। तो दोस्तों ये अति संवेदनशीलता जो सूक्ष्म से सूक्ष्म आसपास की तरंगों को बहुत अच्छी तरह पकड़ सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, फील कर सकता है, तो ये तो क्षमता हर आदमी की प्राकृतिक है ना भाई। तो अब इसमें अगर उन्होंने एक विशेष साधना का प्रयोग करके अगर उन्होंने अपने अंदर इसको विकसित किया है तो ये कितनी बड़ी बात उन्होंने करके दिखा दी है कि उनका जैसा एक 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 व्यक्तित्व, यानी कि जो बिल्कुल यंग है, एक जवान व्यक्ति है जिसने बड़े दिल से बड़े भक्तिपूर्वक इस साधना को करके उन्होंने अपने अंदर इसको सिद्ध करके बता दिया ना। तो आप में भी अगर इंटरेस्ट है तो जाइए ना, इस साधना को कीजिए और सिद्धि प्राप्त कीजिए। तो ये सिद्धि प्राप्त करना कोई चमत्कार नहीं है, सिद्धि प्राप्त करने में कोई भगवान का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना, कोई भाग्य का रोल नहीं है इसके अंदर, ये बिल्कुल एकदम एक वैज्ञानिक प्रयोग है, बिल्कुल सीधा साधा जो मैं खुद लोगों को सिखाता हूँ। दोस्तों मेरे खुद के रेकी क्लास में जो कि सूक्ष्म विज्ञान है उसके अंदर मेरे सैकड़ों विद्यार्थियों को इस तरह के अंतर प्रेरणा, अंतरदृष्टि, ये सब चीज़ें बहुत कॉमनली डेवलपमेंट हो चुकी है। और ये कोई मैं किसी को डेवलपमेंट नहीं करता, मैं किसी को कुछ नहीं देता, ये आपकी क्षमता है, आपको इंटरेस्ट है, आप उपयोग करो और इसको जगा दो, कौन रोक रहा है आपको। और लेकिन हाँ, ये बड़ी अद्भुत सी बात है कि हमारे भारत में इतने संत महात्मा कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैंने किसी भी व्यक्ति को आज धीरेन्द्र शास्त्री की तरह इस तरह का काम करते हुए बहुत कम देखा है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी या साधक नहीं हुए हैं, है, लेकिन वो कहीं तो छुपे हुए हैं, कई बाजार में आ जाते हैं, कई लोग छुपे रह जाते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि ये साधनाएं 100% होती है। तो अब ये साधना कैसे होती है, इसके पीछे क्या विज्ञान है, तो अभी देखिए। Okay. और हमारे पास कोई पढ़ाई नहीं है, ना इसकी टीचिंग होती है। Okay. यह एक सिद्धि है जो सवा सवा लाख हनुमान चालीसा का पाठ एक पैर पर खड़े करके हमने गुरु कृपा से इसको पाया है। दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री जी स्वयं कह रहे हैं कि मैंने एक विशेष भगवान पे श्रद्धा करके, भक्ति करके मैंने उसका मंत्र जाप किया है और मंत्र जाप करके मैंने इसकी सिद्धि प्राप्त की है।
और वो बड़ा सीधा साधा ढंग से समझा रहे हैं कि भाई संकल्प करो, साधना करो और सिद्धि प्राप्त करो। दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सा नियम है कि अगर आपके पास संकल्प है और फिर आप लंबी साधना तपस्या करने की ताकत रखते हैं तो सिद्धि प्राप्त होना उसका एक निश्चित परिणाम है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने किसी इष्ट देव पे भरोसा किया। अब इष्ट देव कौन सा, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना हर धर्म के अपने अपने इष्ट देव होते हैं। उन्होंने अपने हनुमान जी के ऊपर, बालाजी के ऊपर अटूट श्रद्धा रखी, और श्रद्धा मामूली नहीं, अटूट अचूक। तो दोस्तों अटूट श्रद्धा रखने से क्या होता है, आपके अचेतन मन में एक बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग होती है कि कहीं आपके शक नहीं है और आप जो करोगे उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा ही, क्योंकि वो इतनी श्रद्धा और भरोसा रखते हैं अपने इष्ट देव पर। तो उससे फर्क किसको पड़ता है, अचेतन मन को। अचेतन मन इस बात को समझ जाता है। और दूसरी बात, फिर वो एक मंत्र जाप करते हैं, और आप जानते हैं ना कोई भी मंत्र होने दो तो उस मंत्र के अंदर अगर बीज मंत्र भी है तो डेफिनेटली एक साउंड वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो दोस्तों जब हम एक साउंड वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं तो और लंबे समय तक रोज करते हैं और कई लाखों में करते हैं, तो साउंड जो है दोस्तों वो एक तरंग पैदा करती है, वो एक फ्रिक्वेंसी है, वो एक वाइब्रेशन है, और उसका असर क्या होता है हमारे आभा मंडल पे, हमारे एक एक अणु अणु पे, एक एक हमारे सेल के ऊपर, हमारे चक्रों के ऊपर। तो दोस्तों जब उसका इतना बड़ा प्रभाव हमारे इन चीज़ों पे पड़ता है तो जो सूक्ष्म स्तर पर हमारी जो संवेदनशीलताएँ हैं जो हर आदमी में होती है वो उसमें से जागने लग जाती है। और फिर उसके साथ अगर कोई इंटेंशन होता है, यानी कि कोई भाव होता है कि मुझे ये जगाना है या मेरी ये शक्ति जागृत हो जाए, तो जैसे ये पुराने ज़माने में लोग कई तरह की सिद्धियाँ प्राप्त करते थे कि मेरी वाक सिद्धि हो जाए, मैं या मैं परकाया प्रवेश कर सकूं, या मेरी अंतर्दृष्टि विकसित हो जाए, या मेरी कुंडलिनी जाग जाए, जो भी कई तरह की लोग जो है साधना करने के शौकीन होते थे। तो इसमें वो जिस प्रकार का भाव रखते हैं उसी ऊर्जा के साथ उनका ब्रह्मांड से जुड़ाव भी होता है, क्योंकि कुदरत का नियम है कि इन व्हाट थॉट फ्रिक्वेंसी, इन आप किस भावना की तरंगों में आप कंटिन्यूसली यानी कि निरंतर कंपित होते हो, आप ब्रह्मांड से उसी से संबंधित होते हो। सीधा सा हिसाब है, ब्रह्मांड को तुम्हें कोई शक्ति देने का शौक नहीं है, तुम जब खुद मैग्नेट बन जाते हो और चुंबक बन जाते हो तो तुम ब्रह्मांड से उन ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेते हो। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने साधना की और साधना करके अपने खुद के सूक्ष्म इंद्रियों को जागृत किया, और जागृत करके उनको पता चला कि मेरी ये क्षमताएं जो है अचानक विकसित हो गई। हो सकता है उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इस तरह की क्षमताएं मेरे अंदर आ जाए या ना आ जाए, लेकिन उनके अंदर कंटिन्यूस यानी कि निरंतर साधना से ये सारी स्थूल शक्तियाँ जागृत हो गई। और फिर ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि मीडियमशिप या चैनलिंग, आप जाइए ना गूगल में सर्च कीजिए ना, पूरे पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में और भारत में तो लोग इसको अंधविश्वास कह देते हैं, पूरे बाहर जाकर आप जरा गूगल में सर्च कीजिए कितने लोग साइकिक मीडियम बने हुए हैं, यानी कि मीडियमशिप कहते हैं उसको या चैनलिंग कहते हैं। तो दोस्तों वो अपने गुरु को चैनलिंग करते हैं यानी कि माध्यम बनाते हैं, क्योंकि गुरु शरीर के रूप में नहीं है पर उनकी चेतना तो ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में मौजूद है ना, और आप भी हर चेतना के साथ जुड़कर आप भी उनसे बहुत कुछ गाइडेंस प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी जो सिद्धियां हैं, ये सारे जो आप अनुभव कर रहे हैं, तो ये दोस्तों कोई भी व्यक्ति इस तरह की साधना करके इस तरह की क्षमताएं प्राप्त कर सकता है। और इसमें माइंड रीडिंग का कोई रोल, ये ध्यान रखना, ये माइंड रीडिंग बिल्कुल एक अलग चीज़ है, और ये अंतर प्रेरणा अंतर्दृष्टि विकसित करने की एक अलग कला है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि उस व्यक्तित्व के ऊपर कई लोग जो कई तरह की बातें कर रहे हैं, तो मुझे क्या लगता है कि मैं अगर एक क्षेत्र का आदमी हूँ और अगर मैं इसको आपके सामने इसको मैं अगर स्पष्टीकरण नहीं करता हूँ तो मैं बहुत बड़ा अपराध करता हूँ। और दोस्तों आप लोगों में इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि किसी आदमी की शक्ल देखकर तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि वो कितना कितना इनोसेंट और कितना आध्यात्मिक, कितनी डिवाइन सोल है वो। दोस्तों मेरा उनसे सच कुछ कोई लेन देन न, मैं उनके पास कभी गया
और ना मेरा उनसे कभी आज तक कोई बातचीत भी हुई और ना मुझे वो कोई कुछ भेजते हैं या गिफ्ट देते हैं कि जिससे मैं उनका प्रचार करूं। दोस्तों मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है, मुझे सत्य से लेन देन है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी चाहें तो ऐसी अनेकों तरह की सिद्धियां और साधना प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धि प्राप्त करने का एक विज्ञान है जो हमारे पुराने जमाने में ऋषि मुनि संकल्प लेकर साधना करते हुए इसको प्राप्त करते थे। आप भी करो ना। मैं तो हमारी जो नेकी की जो तीसरी डिग्री होती है उसमें तो मैं प्रैक्टिकली सिद्धि कैसे प्राप्त करें और तो मैं उसमें ध्वनि विज्ञान का उपयोग करके कैसे हम अपनी सूक्ष्म शक्तियों को जागृत कर सकते हैं वो कला मैं भी सिखाता हूँ, और वो कला को सीख कर मेरे स्वयं के कई विद्यार्थी इस तरह की चीज़ों को विकसित करते जा रहे हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात है भाई, ये तो स्वाभाविक क्षमता है हमारी। तो आप भी इस स्वाभाविक क्षमता का उपयोग करें और संसार का आप भी कल्याण कर सकते हैं, ये मेरा वीडियो का मकसद। तो चलो दोस्तों मैं लंबा नहीं करूंगा वीडियो को, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, मैं फिर आऊँगा एक अगले वीडियो में इसी तरह का कोई विषय लेकर।